गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम बड़े ठीक। और आज जुमे का दिन है, चलो जुमा पढ़ते हैं। जुमा पढ़ के हम वापस आ गए, और जो मस्जिद है वो हमारे बिल्कुल घर के साथ ही है, तो इसलिए जो है ना, हम खुद मैं और हुरैन गए और हम लोग पढ़ के आ गए। हमें कमर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी जुमा पढ़ने के लिए। कमर जुमा पढ़ के आएंगे तो उनसे आज घर के काम करवाने हैं हमने, और क्योंकि आज टीवी सेट करना था, टीवी को वॉल पे लगाना था, तो काफ़ी दिन हो गए थे, वो नीचे बेचारा पड़ा हुआ था, तो उसके काम में लगे हुए हैं हुरैन और उसके बाबा। रमज़ान में रोज़े सब ने रखे हुए हैं, फिर भी पता नहीं बर्तन कहाँ से हो जाते हैं। जैसे ही जो है ना, लिविंग रूम से किचन में जाओ, 7 बर्तन आ जाते हैं हाथ में। बर्तन तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। तो अभी मैंने सोचा कि थोड़ी सी डिशेज वॉश कर लूँ, क्योंकि हालांकि मैंने सुबह सहरी के बाद बर्तन वॉश किए थे, फिर भी बर्तन आ जाते हैं। तो उसके बाद जो है ना, किचन के जस्ट डिशेज ही थी जो मैंने वॉश करनी थी। वॉश करने के बाद जो है ना, उसके बाद फिर जो इफ्तारी की तैयारी शुरू करूँगी। और अफ्तारी में मैं बना रही हूँ आज पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ा और चिकन सैंडविचेस, और साथ में थोड़े से पकोड़े होंगे, और इस तरह की थोड़ी थोड़ी चीज़ें होंगी जो मैं आपको टाइम टू टाइम दिखाती रहूँगी। ये मैंने पूरा व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, बस थोड़ा सा किया है, दो चार चीज़ें बनाते हुए मैं आपको दिखाऊँगी। बाकी मैं आपको दिखा दूँगी सारी चीज़ें, लेकिन जो है ना, सारा व्लॉग जो है ना रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये मैंने जो है पिज़्ज़े के लिए चिकन बना रही हूँ, और इसी को मैं शवारमे के अंदर भी यूज़ करूँगी, जो चिकन के रैप्स बनाने हैं ना उसमें। तो जो पिज़्ज़े के लिए मैं डो बना रही हूँ, मैंने घर पे ही बनाई है, और उसको जो मैं बेल लूँगी, उसके बाद जो है ना, उसके साथ मिनी पिज़्ज़ा और बिग पिज़्ज़ास, बहुत पिज़्ज़ास बनाऊँगी। यहाँ मैं डो को जो है ना, थोड़ा सा तवे के ऊपर सेक लूँगी। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास जो ओवन है, ग्रिल ओवन, वो उसकी नीचे वाले रॉड्स जो है ना वो नहीं है, जस्ट ऊपर से और साइड से वो हीट अप करता है, तो जो नीचे से डो है ना वो जो है ना सॉफ्ट रह जाती है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जो है ना, उसको ना तवे के ऊपर थोड़ा सा सेकना पड़ता है। तो मैं उनको ज़रा हीट अप कर लेती होती हूँ, उसके बाद फिर जो है ना, उसके अंदर पिज़्ज़े वगैरह का जो सॉस वगैरह लगा के, ये पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने घर पर बनाया, चिली सॉस डालकर, उसके अंदर जो है ना केचप, और इसके अलावा जो मेरे पास एक सॉस पड़े हुए थे, 2-3 किस्म के सॉस पड़े हुए थे, पेरी पेरी सॉस भी, और ये सारे सॉसेज में मिक्स करके ना उसका पिज़्ज़ा सॉस बना लेती हूँ। मोस्टली समटाइम मैं पिज़्ज़ा सॉस डायरेक्ट ही यूज़ कर लेती होती हूँ अगर घर में अवेलेबल हो, तो अभी वो ख़त्म हुआ हुआ था। इवन दोज मेरे पास पास्ता सॉस पड़ा हुआ था, मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिया। अब इसको मैं जो ओवन है, मैंने पहले प्री हीट कर लिया था, तो उसके अंदर मैं इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, और ये मज़ेदार किस्म के मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो जाएंगे। अब एक मैं जो है ना, मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा भी बना लेती हूँ, उसको भी मैंने डो बना के रखी हुई थी, तो बस उसको सॉस लगाना है, और उसके बाद उसके जो है ना, उसके ऊपर सारी जो उसके ऊपर टॉपिंग करनी है वो करके उसको भी मैं ग्रिल कर लूँगी। और इसके बाद हमारा जो है, ये मिनी व्लॉगर हमारे सामने आ गया, अब ज़रा इससे बात कर लेते हैं। उतनी देर में हमने अपने पिज़्ज़ा भी रेडी कर लिए, और ये बहुत ही यम्मी बने थे, और जो है ना, बिल्कुल भी हैवी नहीं हुए थे, क्योंकि मैंने ऑयल बहुत कम यूज़ किया था। और मैंने ये सैंडविचेस रैप भी करके रख लिए थे, सब कुछ जो है ना, मैं पहले ही करके उसको रैप करके रख लिया था, ताकि मुझे टाइम पे, क्योंकि अब अफ्तारी में सिर्फ 10 मिनट रहते हैं, और मैं सिर्फ इसको हीट अप करूँगी। और मैं मोस्टली जो है ना, इनको जो एलुमिनियम के डिस्पोजिबल प्लेट्स में ही बना लेती होती हूँ, क्योंकि इसमें चीज़ वगैरह होती है, तो फिर जब इसको अगर हम नॉर्मल प्लेट्स में बनाएं तो वॉश करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं अफ्तारी जो है ना, मोस्टली इन्हीं बॉक्सेस में रमज़ान में मैंने यूज़ किए हैं, ताकि ईजी रहे मुझे ना। तो अभी मेरी अफ्तारी जो है वो तैयार हो गई है, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, और अब अफ्तारी करते हैं आपके साथ। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जो है ना, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करिएगा।
और दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में स्लोली स्लोली और मज़े मज़े की चीज़ें लेकर आएंगे आपके साथ।